सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारा एरिया फोकस क्या होना चाहिए और हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि हम लोग की जो लाइफ है उसके दो हमारे स्टेज होते हैं। एक वो स्टेज जब हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, जब हमें अपने आप को हील करने की, क्योर करने की, एम्पावर करने की, अपने आप को फुल्ली फंक्शनल बनाने पे हमारा फोकस हमें करना चाहिए, ताकि हम लोग फुल्ली फंक्शनल हो सकें, हर दिन अपना बेस्ट दे सकें, अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क में, अपने लाइफ के हर एक आस्पेक्ट में। दूसरा वो स्टेज होता है कि हम लोग बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोग बिल्कुल हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस केस में जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे ग्रोथ पे। तो आज की वीडियो आपके लिए है, अगर आपकी लाइफ का जो प्रेजेंट फोकस है वो हीलिंग है, अगर आप लो फील करते हैं, अगर आपको नेगेटिविटी रहती है, आप उतने हैप्पी एंड पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो, अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम पे आपका फोकस हीलिंग है, आप खुद को क्योर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो प्रॉब्लम हम लोग जो फेस कर रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है। मैं आपको 5 रूट कॉज शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जो लो फील कर रहे हैं वो किस रीज़न से है, और उस रीज़न का जो सॉल्यूशन है उस पर वर्क करके आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सक्सेस को आप 100% इंश्योर कर सकते हैं। सो, अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न नंबर 1। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये होता है कि कई बार हम लोग अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कई बार हम लोग वर्काहोलिक होते हैं, कई बार वर्क का प्रेशर होता है, तो हम लोग बिना ब्रेक के बहुत लंबे समय तक हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक टाइम बाद हमारे जो माइंड की जो एफिशिएंसी है, जो पॉजिटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये गलती तो आपसे नहीं हो रही है। तो अगर ये रीज़न है आपके साथ तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको थोड़ा सा एक रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपको एक ब्रेक प्लान करने की ज़रूरत है। उस रेस्ट के टाइम में, उस ब्रेक के टाइम में, जो कि 1 हफ्ते का हो सकता है, 2 हफ्ते का हो सकता है, up to 1 month का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने समय तक आपने लगातार वर्क किया है बिना ब्रेक के। तो वो जो रेस्ट का टाइम है यही आपके माइंड को फुल्ली हील करता है। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 2 क्या होता है, कई बार हम लोग नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में स्टक हो जाते हैं, कई बार हम लोग ओवर थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, और अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव थिंकिंग बार बार कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बन जाता है। एक बार कोई भी थॉट हमारे माइंड में पैटर्न्स बन जाती है तो हमारे वो ऑटोमेटिक थिंकिंग में आ जाती है और वो और स्ट्रांग होती जाती है। तो अगर ये आपके साथ रीज़न है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत है, और ये सब जो भी साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोसाइकोलॉजी फ्रेमवर्क, ये सब साइंस यूज़ करके आप उसे क्योर कर सकते हैं। एक MNR मेथड है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है, रीज़न नंबर 3, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, अपने वर्क में इतना उलझ जाते हैं कि हम लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हैं, अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को हम लोग उतना प्रॉपर, हम लोग उसको फोकस नहीं कर पाते हैं। जितना हमें ज़रूरी न्यूट्रिशन है उतना हम अपने आप को नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग की जो एनर्जी है वो ड्रेनड आउट हो जाती है, हम लोग लो एनर्जी जोन में चले जाते हैं और हम लोग वीक फील होना शुरू कर देते हैं, और हम लोग वीक जब होते हैं तो हम लोग की नेगेटिविटी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कहीं आपके जो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ के जो इशू है, जो आप लो एनर्जी जोन में हैं, उसका रीज़न कहीं ये तो नहीं है। तो अगर ये रीज़न है तो आपको अपने फूड पे, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और कई बार अगर हम लोग वीक फील करते हैं तो उसका रीज़न होता है कि हम लोग के ब्लड में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो आप चाहें तो अपना एक ब्लड टेस्ट भी आप करा सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि आपके ब्लड में क्या कमी है, आप वहाँ पर जो मेडिसिनल हेल्प है वो ले सकते हैं, या फिर आप अपने फूड एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करके अपने एनर्जी लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। रीजन नंबर 4, कई बार क्या होता है कि हम लोग की लाइफ में कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है, हम लोग अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में स्टक हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में स्टक हो सकते हैं, कुछ आपको हेल्थ इशू हो सकता है, या आपके करियर इशू हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और ये सब जो भी साइंस है माइंडसेट की, इन सब साइंस को सीखिए, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, NLP है, न्यूरोसाइकोलॉजी फ्रेमवर्क है, इन सब साइंस को आप सीखिए, क्योंकि इन्हीं सब साइंस को यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एंड नाउ रीज़न नंबर 5, कई बार क्या होता है कि हम लोग
डे टू डे लाइफ में अपने रिलेशनशिप को, अपनी सोशल लाइफ को, अपने फ्रेंडशिप को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये आपकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, जो हमारी जो सोशल लाइफ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर वही एक जगह होती है जहाँ पर हम लोग अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर ये रीज़न है तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैंने आपको जो भी पांचों रीज़न शेयर किया, आप देखिए कि आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप लो फील कर रहे हैं, जो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपसे गलती कहाँ हो रही है, कौन सा रूट कॉज है जो आपके साथ रोल प्ले कर रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका जो भी सॉल्यूशन है उस पर वर्क करके अपने आप को जल्दी से जल्दी आप हील कर लीजिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। बहुत बहुत थैंक यू।